हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो यहाँ पे एडिटोरियल आया है आज, वो आया है काट्सा एक्ट को लेके। यूएसए का जो काट्सा एक्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि भाई इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और अभी इसमें क्या अमेंडमेंट वगैरह की बात चल रही है। तो इंडिया के एंगल से बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन है वो की गई है। तो हम जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं एक बार। सबसे पहले इस आर्टिकल में देखो बताया गया है कि जो काउंटरिंग अमेरिका जो एडवर्सरीज थ्रू सेंशन जो एक्ट है, इसके द्वारा एक्चुअली यूएसए है वो बाकी अपनी कंट्रीज के साथ रिलेशन वगैरह बनाने में हेल्प है वो लेता है। क्या ये एक्ट है, एक बार इसे हम देख लेते हैं। इस एक्ट में बेसिकली यूएसए के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि भाई वो कोई भी कंट्री जो कि उनकी डिफेंस के एनिमी कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे रशिया हुआ या फिर ईरान हुआ या फिर नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज के साथ अगर कोई भी कंट्री है वो अगर डिफेंस रिलेशन बनाती है, जैसे कि एग्जाम्पल से मान लेते हैं रशिया के साथ अगर इंडिया कोई भी डिफेंस रिलेशन बनाता है, तो यूएसए काट्सा एक्ट के थ्रू इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगा सकता है। मतलब कि यूएसए का दुश्मन कौन है, रशिया। रशिया के साथ अगर इंडिया डिफेंस रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब दुश्मन का पड़ोसी, दुश्मन का साथ दे रहा है इंडिया, इसलिए इंडिया के ऊपर वो सेंक्शन लगा सकता है एक तरीके से। ये बेसिकली यूएसए का काट्सा एक्ट है। तो अभी एक्चुअली इस जो काट्स एक्ट है ना, इसको ट्रंप है वो डाइल्यूट करना चाहते हैं, या इसे आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ छूट वगैरह देना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो ट्रंप है उनकी पावर कहीं ना कहीं हट हो रही है। तो ट्रंप के द्वारा बेसिकली ये कहा जा रहा है कि देखो इससे क्या हो रहा है कि ट्रंप है वो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन वगैरह नहीं बना पा रहे हैं। अब अगर ट्रंप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे जो काट्स एक्ट है ये बीच में काफी बार बार उनको इफेक्ट है वो करता है। तो इसी बात को लेकर इसमें अमेंडमेंट करने की बात है यहाँ पे की जा रही है कि भाई इसमें कुछ कंट्रीज को छूट वगैरह दी जा सके ताकि यूएसए अपने रिलेशन को मेंटेन कर सके। तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली हम देखते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, इंडिया ने अभी रिसेंटली रशिया से S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो खरीदा था। तो ये जब खरीदने की बात हुई तो रशिया से ऑब्वियसली अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया वो रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन बना रहा है। तो इससे यूएस ने क्या किया था, भाई इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगाने की बात हुई तो इंडिया ने इसके लिए भाई उन्हें बताया कि देखो बात ऐसी कि हम हमारे डिफेंस जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खरीद रहे हैं, ना कि हम आपके ऊपर अटैक वगैरह करने के लिए यूज हो कर रहे हैं, और हमें हमारी सोवरेनिटी का भी इश्यू रहता है, इसलिए हम ऐसा नहीं है कि हम आपकी सारी बातें मानते हो, मतलब आपकी बातों के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हम एक सोवरेन कंट्री है तो उसके मुताबिक हमारे लिए जो अच्छा होगा वहां पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। इसका जो भी जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है इसका हम एक्चुअली यूएसए के अगेंस्ट यूज नहीं करने वाले हैं, ऐसी ऐसी बातें इंडिया के द्वारा अपने स्टेटमेंट वगैरह दिए गए। तो इस बात के बाद यूएसए ने डिसाइड, यूएस की जो कांग्रेस है उसने ये डिसाइड किया कि भाई जो कार्ड्स एक्ट है इसके तहत इंडिया जैसी कंट्रीज को छूट है वो दी जा सके ताकि अपने रिलेशन को बनाए जा सके और यूएसए है वो भी इंडिया के साथ रिलेशन को इम्प्रूव है वो कर सके। तो बेसिकली ये बात यहाँ पे थी। आगे देखो बात ये होती है कि इंडिया ने एक तरह के भी दिया कि इंडियन ओशियन के अंदर बात करें सिक्योरिटी की तो वो इंडिया उसके लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी की बात की जाती है तो इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। और अगर ऐसे माहौल में इंडिया ही डिफेंस सिस्टम वगैरह नहीं, प्रोक्योरमेंट वगैरह खरीदेगा, नहीं कैसे बाई करेगा, तो भाई इंडिया जो यहाँ पे सिक्योरिटी उसको कैसे मेंटेन रखेगा। बात की जाए, आप इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हो कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया क्या वर्चस्व रहे ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, इसके लिए इंडिया के पास जो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना, तो इसीलिए इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम है वो खरीद रहा है। रशिया के साथ ऑलरेडी इंडिया के पहले से भी डिफेंस रिलेशन रहे हैं, और वैसे भी देखा जाए तो रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन ठीक ठाक ही रहे हैं। आज़ादी के बाद से रशिया ने इंडिया को काफी सपोर्ट किया है, इवन इंडिया ने भी रशिया को काफी सपोर्ट है वहां पे किया है। चाहे आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान वॉर हुआ था उस दौरान भी रशिया ने इंडिया की हेल्प है वो की, तो मतलब हर टाइम पे रशिया ने हमारी हेल्प की है। तो इसलिए अहम हो जाता है कि भाई हम हमारे जो रिलेशन है इंडिया वो एक्चुअली रशिया के साथ रिलेशन है वो इम्प्रूव करके रखें और अच्छे खासे बना के रखें। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे है राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेके। इस आर्टिकल में क्या है वो हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट है वो भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको डायल्यूट करने की बात है वो कर रही है। डायल्यूट का मतलब यहाँ पे कि सॉरी इसमें अमेंडमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो क्या अमेंडमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको अभी हटाने की बात होकर जा रही है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब यह है कि भाई बच्चे को फेल है वो नहीं किया जाए, ये बेसिकली पॉलिसी है। इसकी बात यहाँ पे की गई थी कि बच्चा 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसको दोबारा मौका दिया जाए कि भाई एक बार वापस से उसकी एग्जाम वगैरह करवा जाए, 2 महीने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए स्टडी के लिए, और अगर फिर भी वो एग्जाम में फेल हो जाता है तब उसको दोबारा उसी क्लास में रखा जाए, अदरवाइज उसको नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाए। बेसिकली ये प्रावधान करने की बात थी। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट को डायल्यूट करने के लिए कह रही है कि भाई उसमें जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसकी पावर है वो स्टेट को देना चाहती है, क्योंकि देखो इस बात यह है कि एजुकेशन है वो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों इस पे बेसिकली लॉ वगैरह बनाती हैं। तो अभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है
कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, वो पॉलिसी है ना स्टेट के हाथ में रहेगी। कोई स्टेट चाहे तो उसको कंटिन्यू रख सकता है, कोई स्टेट चाहे तो उसे कंटिन्यू नहीं रखेगा। मतलब हर स्टेट की मर्जी होगी, वो अपनी जो अपने एरिया या अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको आगे कंटिन्यू वगैरह रख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो राइटर कुछ इश्यूज बता रहे हैं कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी है उसके इश्यूज बता रहे हैं, इसके साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट है इंडिया का RTE, इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या खामियां दूर करनी है। तो देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि गवर्नमेंट है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई थी, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हमारे देश में 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में एजुकेशन वो प्रोवाइड करवाया जाए। मतलब सीधी सी बात यह है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में होने चाहिए, ना कि घर पे तफरी मारें या फिर कोई बंधुआ मजदूरी वगैरह काम करें। बट क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं ये एक्ट है इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, और ना ही इस चीज की तरफ फोकस किया गया है कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें सभी बच्चों को एजुकेशन हो कंपलसरी यहाँ पे मिले। क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है, इवन एक बार एग्जाम्पल भी आया था कि जो कठुआ रेप केस हुआ था उस दौरान जो बच्ची थी उस केस क्या थी 6 से 14 साल के बीच में ही थी, वो बच्ची उस टाइम पे स्कूल में क्यों नहीं थी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन है वो चीज के प्रति लापरवाही दिखा रहा है ना, तभी तो ये चीजें हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल पे जो ये एक्ट है या ये जो पॉलिसी है इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसके बाद में बात की जाती है क्वालिटी वाले एजुकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, और कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहता है उसके बाद बेसिक फैसिलिटी का इशूज रहता है, और कई बार क्या रहता है स्टाफ है वो ढंग से नहीं होता है, और इवन स्टाफ कई बार ठीक हो लेता है उसके बाद भी टीचिंग क्वालिटी उस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे हमारा प्रशासन और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो आप बोल सकते हो एक तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं हमें संशोधन है वो करना होगा। क्योंकि देखो क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अगर गवर्नमेंट का ये हक है कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो उसके लिए क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। और अहम बात क्या है, क्वालिटी के साथ प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए। जो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो उनके माहौल के मुताबिक होनी चाहिए। अब जैसे कि वहाँ पे एकदम जो मदर टंग लैंग्वेज है उसके अंदर बेसिकली एजुकेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए। अब वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके मुताबिक अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो और अगर आप दे रहे हो इंग्लिश वगैरह में तो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो एक तो उन्हें माहौल क्रिएट करना होगा, मतलब उन्हें दो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज करने रखना होगा ताकि दोनों लैंग्वेज को बच्चों पर फोकस है वो किया जा सके, और जो प्रोडक्टिविटी है बच्चे की वो भी यहाँ पे इम्प्रूव है की जा सके। इसके बाद में देखो बात यह है कि जो एजुकेशन है वो ऐसा नहीं कि केवल जो बच्चा कैसे पढ़ रहा है उसी पर डिपेंड करता है। बात करें अगर हम एजुकेशन की रियल में, तो देखो छोटा बच्चा होता है वो तो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, क्योंकि उस पर आप जो कुछ पढ़ाओगे, जैसे ब्लैंक पेपर पे हम जो कुछ भी लिखते हैं वही चीज उस पर लिखी जाती है। तो वही बात है कि छोटे बच्चे को आप जिस तरीके से पढ़ाओगे, जैसे आप उसको एजुकेशन दोगे उसी तरीके से वो अपने आप को एक तरह से एडजस्ट है वो कर लेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा है वो खुद यहाँ पे स्किल नहीं लेके आ पाएगा, बच्चे को यहाँ पे सोसाइटी का माहौल पढ़ाता है कि सोसाइटी का माहौल कैसा है जहाँ पे वो रह रहा है, इसके साथ स्कूल में माहौल कैसा है, इसके साथ जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, टीचर्स हैं उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो आप एक तरीके से बोलो सीधे सीधा मतलब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे के आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना वो ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे को कि उसका लर्निंग आउटकम कैसा रहेगा। तो बेटर ये है कि बच्चे के आसपास का जो माहौल है, सोसाइटी का माहौल हो, स्कूल का माहौल आप ले सकते हो, इवन घर का जो माहौल है वो ऐसा हो कि बच्चा एक तरीके से एजुकेशन प्राप्त हो कर सके, मतलब बच्चे के माहौल के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बच्चे को एजुकेशन में उससे काफ़ी हेल्प है वो मिल सके। इसके बाद में राइटर एक चीज का इसका नेगेटिव पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर देखो नो डिटेंशन पॉलिसी को अगर हटाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा कि बच्चे फेल हो जाएंगे तो उनको वापस पुनः उसी कक्षा में रखा जाएगा। अगर बच्चों को पुनः उसी कक्षा में रखा जाएगा ना, इससे क्या है, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाएगा, घर वालों का प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों के ऊपर कि आप तो फेल हो गए, तो किसी काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये वगैरह हुआ, तो इससे क्या कि वो बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे, कहेंगे इससे अच्छा तो कुछ काम कर ले। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, इस से हमारी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि सभी को एजुकेशन मिले वो चीज़ पीछे हो जाएगी, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाएगा और जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए समस्या और ज़्यादा विकट हो जाएगी। अदरवाइज तो वो स्कूल जा रहे थे तो कुछ ना कुछ सीख तो रहे थे ना, अगर वो स्कूल जाएंगे नहीं तो वहाँ से उनको सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद में बात की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे देश में जो स्कूल हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी है। बहुत सी जगह देखा जाता है कि बेसिक फैसिलिटियाँ, टॉयलेट जैसी सुविधाएं हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। कई बार फोटोज आती है न्यूज़पेपर में कि स्कूल वगैरह है वहाँ पे एक तरीके से कोई भवन वगैरह, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी हुई है, केवल खुले में क्लास है वो लगती है। तो ऐसे में बारिश का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में होता है, तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है स्कूल के लिए। तो वही बातें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को पीछे लेके जा रही हैं। तो ये सारे इसमें चैलेंजेस हैं वो राइटर के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कि भाई अफ्रीका है उसमें इंडिया और चाइना का एंगल यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है। देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि अफ्रीका है उसमें इंडिया का एंगल यहाँ पे बताया गया कि अफ्रीका में इंडिया किस तरीके से अपना रोल बढ़ा रहा है और किस तरीके से चाइना अपनी प्रेजेंस है वो अफ्रीका में बिल्ड कर रहा है।
तो इसे हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक एंगल डिस्कस किया गया है मेनली, वो है इन्वेस्टमेंट एंगल। बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो इंडिया भी अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है और बात की जाए चाइना भी अफ्रीका में इन्वेस्ट है वो कर। पहली बात यह कि भाई दोनों कंट्री अफ्रीका में इन्वेस्ट क्यों कर रही है, तो जैसा कि हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि अफ्रीका है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मतलब अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है और बहुत से ज्यादा आप एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो जो भी मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल जो चाहता है किसी भी कंपनी के लिए, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि सोने की बहुत बड़ी माइंस है, इसके साथ देखा जाए तो वहाँ पे जो डायमंड होता है उसकी भी बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मतलब अगर जो रॉ मटेरियल चाहता होता है किसी भी कंपनी को वो वहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरीके से देखो अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने इंडिया के रॉ मटेरियल को वो इंडिया के वो क्या करते थे अंग्रेज इंडिया के रॉ मटेरियल को लेके जाते थे यूरोप में और फिर वहां पे उसको क्या करते थे, वहां पे उसको पक्का माल बनाते थे, मतलब वहां से उसकी चीजें वगैरह बनाते थे और फिर इंडिया में वापस भेज देते थे, मतलब मार्केट भी इंडिया का यूज करते थे। अब आपको पता है कच्चा माल तो बहुत सस्ता होता है और अगर चीज एकदम तैयार है, जैसे कि ये मान लो कि वो यहाँ से कपास लेके जाते थे, फिर वहां उन्होंने कपड़ा बनाया और उससे कपड़े बना के इंडिया में लेके, अब कपास तो सस्ती होगी और कपड़े ऑब्वियसली महंगे होते हैं, तो मुनाफा उन्हीं को आना, इंडिया से तो सस्ती चीजें खरीद लेते हैं और जब बेचना होता है इंडिया को तो महंगे कपड़े बेचते हैं, तो उससे उनको डबल प्रॉफिट होता। तो वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया और देखा जाए तो चाइना भी इस चीज का यूज है वो कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखो अफ्रीका के पास नेचुरल रिसोर्सेज वो बहुत है और अफ्रीका है उसके साथ इंडिया की विजिट है वो काफी होती रही है। ये भी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वहां पे यात्रा पे गए थे, प्रधानमंत्री की यात्रा भी हुई थी। मतलब देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर हमारी विजिट है वो लगातार होती ही रहती है, वहां पे कुछ ना कुछ लिंक हमारे हर साल बनते ही रहते हैं। अब बात करें हम चाइना की, तो चाइना का जैसे आपको पता है कि जिबूटी है, वहाँ जिबूटी की लोकेशन आपको बतानी है, ये बताइए आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और उनकी लोकेशन काफ़ी अहम हो जाती है। जिबूटी एक कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, आपको मैं बता देता हूँ। उसके अंदर भी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया था ताकि वहाँ पे जो पायरेट्स वगैरह खतरा होता है, समुद्री डाकुओं का शिप वगैरह को लूट लेते हैं वो, उससे निपटा जा सके बेसिकली। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या हुआ, चाइना वहां पे अपनी प्रेजेंस है वो दिखा रहा है कि देखो मैं भी यहाँ पे पहुंच गया हूँ। इसके साथ ही देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। देखो एक आपको थोड़ा डाटा आप इसका यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं कि इंडिया से कितना आगे है चाइना अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट को लेके। इंडिया अफ्रीका के अगर रिलेशन की बात करें तो 2017-18 में इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की ये थी सीन था, ट्रेड रिलेशन की बात की जा रही वो था $62 बिलियन का, और अगर चाइना की बात करें तो वो था $166 का, जो कब था 2011 में की बात है, और इंडिया का 2017-18। मतलब देखा जाए तो इंडिया बहुत पीछे है इन्वेस्टमेंट के मामले में अफ्रीका में, चाइना बहुत तेजी से वहां पे इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। इसके साथ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चाइना है वो एक्चुअली अफ्रीका को यहाँ पे इंक्लूड है वो करके चल रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी आपको पता है कि जो चाइना है वो अफ्रीका तक अपनी पहुंच वो बनाना चाहता है, चाइना अपना दबदबा है वो अफ्रीका में बना के रखना चाहता है। देखो बात ऐसी है कि अफ्रीका है ना वहाँ पे क्या कि ह्यूमन कैपेसिटी है ना उसका बहुत बड़ा अभाव है, वहाँ पे क्या कि लेबर इतनी मतलब स्किल्ड लेबर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और चाइना इस चीज़ का फायदा उठा रहा है कि यार वहाँ पे रिसोर्सेज भी अगर हमें मिल रहे हैं और स्किल्ड जो लेबर है वो हमारे पास है, तो क्यों ना दोनों चीज़ों का हम यूज करते हुए अफ्रीका के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका यूज करें और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, अफ्रीका बेसिकली क्या कहता है, रॉ मटेरियल है वो तो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर बाकी चीजें होती हैं जो पक्का हुआ सामान, जैसे आप बताया कि कपड़ा वगैरह हुआ, वो चीजें वो इंपोर्ट करते हैं, तो इससे उनकी इकोनॉमी वो ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहती क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता होता है। वही इंडिया वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, आजादी से पहले जो सीन चला था वही हालात अभी वहां पे है। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज है वो मैक्सिमली लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे भी बहुत पीछे है वो, इसीलिए वहां पे काफी ज्यादा इस चीज की इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है। और इंडिया वहां पे स्किल प्रोग्राम है वो लगातार चला रहा है ताकि वहां के यूथ को स्किल दी जा सके और जिससे इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो वहां पे बढ़ेगी। अभी देखो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो वहां पे रवांडा की विजिट पे गए थे तो कि काफी अहम हो गया था, वहां पे विजिट अगर इंडिया की लगातार होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया वहां पे अपनी प्रेजेंस है वो शो कर रहा है, वहां पे काफी सारे रिलेशनशिप रखे जाते हैं, इसके साथ वहां पे नए एग्रीमेंट वगैरह होते हैं जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो भी बेनिफिट होती है, इसके साथ इंडिया की कंपनीज है वो बाहर जाके वहां पे स्किल वगैरह प्रोवाइड करवाती है तो इंडिया को भी फायदा होता है और वहां की कंट्रीज को भी इससे बेनिफिट है वो होता है। इसके साथ ही यहाँ पे बात करें प्रोजेक्ट मौसम की, देखो प्रोजेक्ट मौसम है उसके तहत भी अफ्रीका को काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। प्रोजेक्ट मौसम क्या है,
प्रोजेक्ट मौसम ये है कि इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर के जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया अपने रिलेशन है वो आपस से स्ट्रॉन्ग करेगा। देखो अभी कुछ टाइम पहले अगर बात करें तो इंडिया आज़ादी के बाद इंडिया ने अपने रिलेशन वो एक तरीके से लिमिट तक रख लिए थे, बट अभी इंडिया चाहता है कि यार प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू हम एक मतलब कैंपेन सा चलाएं और इंडियन ओशन की जो भी पड़ोसी कंट्रीज हैं, चाहे आप देख सकते हो मालदीव से एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप मेडागास्कर का एग्जाम्पल ले लो, साउथ अफ्रीका का ले लो, और भी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज हैं उनका एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, मतलब उन कंट्रीज के साथ इंडिया है वो अपने रिलेशन को इंप्रूव करें ताकि और ज्यादा रिलेशन है, टाइज है वो बढ़े। इसके साथ पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेंगे। आपको पता है कितने अफ्रीकन स्टूडेंट है वो इंडिया में आते हैं, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड एजुकेशन है वो लेते हैं, इसके साथ उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ऐसा क्यों है? ताकि इंडिया के जो रिलेशन है वो अफ्रीका के साथ बढ़ सके, और रिलेशन बढ़ेंगे तो उससे इंडिया की इकोनॉमिक पावर भी बढ़ने वाली है, और इंडिया की अगर सॉफ्ट पावर बढ़ेगी यहाँ पे तो सॉफ्ट पावर का भी फायदा इंडिया को होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अफगानिस्तान में इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है तो उसका बेनिफिट इंडिया को बहुत हद तक मिलता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिया यूज है वो कर सकता है। इसके साथ ही इंडिया ने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान दोनों ने मिलकर एक और कॉरिडोर बनाया है, जिसका बनाने की बात हो की है, जिसका नाम है इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अभी तो खैर एक्टिव फॉर्म में नहीं है, अभी तो केवल बात हो की गई है, तो जल्दी इसका काम है वो शुरू किया जाएगा। ये एक्चुअली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है, ताकि इंडिया में इंडिया और जापान दोनों कंट्रीज हैं वो अफ्रीका में इन्वेस्ट कर सकें और वहाँ पे अपनी स्किल वगैरह वो प्रोवाइड करवा सकें। तो ये इस आर्टिकल में बेसिक चीज़ें थी वो यहाँ पे डिस्कस हो की गई हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है, और जो प्रीलिम्स वाला वीडियो है वो अभी अपडेट है वो किया जाएगा, क्योंकि आज मॉर्निंग में वीडियो वो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो देखते हैं, आई होप अभी काम सब बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।